हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉक्सर की या जेंट्स अंडरवियर की म्यानी वाले की कैसे स्टिचिंग करते हैं वो आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले कल मैंने आपको कटिंग सिखाई थी, कटिंग के बाद आज स्टिचिंग करेंगे। जैसे नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से हमने कार्ड डाली हुई है, यहाँ पे हम म्यानी लगाएंगे। एक पेस उठाएंगे इसमें से, यह है हमारी उल्टी साइड और यह है हमारी सीधी साइड। हम उल्टी साइड एक पेस ऐसे म्यानी का उठाएंगे और इसको चौड़े वाला हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के हम सबसे पहले मैंने लगाएंगे। एक तरफ ये मैंने हमारी लग गई है तो हम ऐसे दूसरा पेस्ट उठाएंगे। अब उसकी भी हम ऐसे ही नीचे की तरफ, हम सीधी साइड होगी हमारी और इसको हम ऐसे ही हम इस साइड करेंगे, नीचे की तरफ चौड़ा हिस्सा और ऊपर मैनी चोंच वाला हिस्सा। आपके पास कोई पुराना कच्छा या पड़ा होगा जिसमें मैनी लगी होगी, आप वो भी देख सकते हो अपना। अब जरा ध्यान से देखना। अब हम ऐसे दूसरे पेस को ऐसे उठाएंगे और ऊपर ये देखिए ये ऐसे। अगर तो आपने इसमें नाड़ा डालना है तो आपको ये नाड़ा डालने वाली जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे इलास्टिक डल जाएगी। अगर नाड़ा डालना है हम इसमें नाड़ा डालेंगे, इसलिए हम ऊपर यहाँ पे ये नाड़े के लिए यहाँ पे ये वाला ऐसे ऊपर से नाड़ा डालने के लिए जो हम नेक को फोल्ड करते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे वैसे ही हम इस साइड से ऊपर वाले हिस्से को ऐसे पकड़ेंगे, फिर हमें नेप फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसको भी हम ऐसे ही पकड़ के ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारे दोनों पेस जुड़ चुके हैं। उसके बाद हम नीचे मोहरी, ये हमारी मोहरी है, इसको हम अंदर की साइड ऐसे
फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी को भी ऐसे ही पकड़ेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा पूरा नीचे से फोल्ड हो गया है, म्यानी हमारी लग चुकी है और अब हम ऊपर से नाड़ा डालने वाली नेफा, इसको हम जो हमने सिलाई लगाई थी ये देखिए अब हमें आराम से हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको ऐसे इसको इसके हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड उसके बाद हम ऐसे इस सिलाई को हम इस सिलाई पर रखते हुए रखेंगे तो हमारे नेफे में कोई भी बल या वो नहीं आएंगे। हम इनको यहाँ से रखते हुए जितना चौड़ा आपने रखना है आप उतना चौड़ा रख सकते हो, अगर इलास्टिक डालनी है तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हो। ऐसे हम सारे नेफे को फोल्ड कर लेंगे। कोई चुंगट या कोई बल नहीं आती, जैसा जो तरीका मैंने आपको बताया है इसमें कुछ भी, ऐसे ही हम सारे उसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम नीचे से हमें जितनी ये अपनी मोरी खुली रखनी है उसी हिसाब से हम यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में जो हम ये मैनी डालते हैं इससे हमें उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही ये जेंट्स अंडरवियर नीचे से फटता या छूटता है। यहाँ से हम ऐसे जितना खुला आपने रखना है उसी हिसाब से ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे और हमारा अंडरवियर तैयार है। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बॉक्सर। अब इसमें नाड़ा पर ये नाड़ा डल जाएगा, लास्ट यू डाल सकते हो, नीचे मैनी है इसका, ना ही उधड़ेगा ना ही फटेगा। ये देखिए और 15 मिनट में तैयार हो गया है सिलकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।